हाँ स्टूडेंट्स, अपन इस फाइल के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है अपना अगला भाग 4 के, ठीक है। उन मौलिक कर्तव्यों के थोड़ा मैं क्लूज आपको बता देता हूँ, उन क्लू से आप याद कर सकते हो। आपको खुद को कोई अपना क्लू नजर आए, अच्छा लगे, वो आप बना सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है। अब अपन जैसे देखते हैं भाग 4 क में, है ना। भाग 4 में तो नीति निर्देशक थे, अब अपन देख रहे हैं भाग 4 क, ठीक है। इसमें आर्टिकल है 51 क, मेन आर्टिकल है 51 क, 51A, ठीक है। 51 में तो अपन मौलिक उसमें नीति निर्देश तत्वों में देख ही लिया, अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है। इसमें 51 कह कह गए थे, चार है ना सब आर्टिकल थे नीति निर्देश तत्व में, या मेन आर्टिकल है 51 के। और 51 के में कैसे लेके टै तक, मतलब A2K तक, फिर सब आर्टिकल है, ठीक है ना। कैसे मतलब जैसे ये पहला जो मौलिक कर्तव्य है ना, ठीक है, इसको अपन जैसे कैसे लिखेंगे इस मौलिक कर्तव्य को, 51 के, ये तो मेन आर्टिकल हो गया, इसका सब आर्टिकल क्या है यू, और हिंदी में इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 51A और फिर उसका सब आर्टिकल ऐसे, ठीक है ना। यू सब आर्टिकल जैसे आप लिखोगे तभी ये अपन को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। सभी ये इसी तरह से लिखे हुए हैं और ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो इसमें इंग्लिश में क्या है, ये स्मॉल में इसको लिखा जाएगा, ये यू है ऐसे, मतलब इंग्लिश में यू लिखेंगे 51 फिर ए और ब्रैकेट लगा के स्मॉल ए ऐसे। और इंग्लिश में तो कह के में कोई फर्क नहीं, बस ये थोड़ा बोल्ड होता है, डार्क होता है, ये हल्का होता है। और इंग्लिश में मेन आर्टिकल जो है ये कैपिटल और सब आर्टिकल जो है ये स्मॉल होता है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य अपन जैसे देखते हैं 51 कह में, आर्टिकल 51 कह में वर्णित है, ठीक है। कैसे टह तक ये जाते हैं 11, अब जैसे ये 1 2 3 4 लिख रखा ना 11 तक, ये ऐसा नहीं कि कोई सब आर्टिकल में हो, ये इनकी गिनती है, मतलब टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं मौलिक कर्तव्य वो 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसा कोई लिखा हुआ है कि सर ये कुछ इनके अंदर भी भेद देगा, ऐसा कोई भेद इनके अंदर नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को, सब बराबर है अभी, ये हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैं थोड़ा क्ल्यू में आपको बता देता हूँ जैसे कैसे अपन को जैसे याद रखना है क्या के अंदर है जो मौलिक कर्तव्य है उसका। वो बोलता है कि जैसे संविधान के अंदर जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, ध्वज है और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उनका आदर अपन को करना है, ठीक है। ये नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य। तो अपन को याद कैसे ना, कह कबूतर, ठीक है ना, कबूतर के मुंह में अपन लेटर देखते हैं तो उससे हो जाता है किताब, ठीक है ना, कह कबूतर, और कबूतर के मुंह में क्या है, किताब। किताब में क्या है, आदर्श है, संस्थाओं के बारे में लिखा हुआ, ध्वज है, गान है, तो क्या कबूतर उसमें ये आ जाएगा सब, आदर्श, संस्था, ध्वज और गान, ठीक है ना। संविधान में मतलब मौलिक कर्तव्य ये बोलता है कि संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज और गान का अपन सम्मान, प्रत्येक नागरिक सम्मान करेगा, नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ठीक है। ऐसे कैसे अपन को याद रखना है, कैसे खान है ना, सब में मैंने सब में कैसे खान बताया, 19(1) में कह बताया, फिर जैसे अपन निजी देश तत्वों में देखा था 39(k) में यू, तो ये कैसे खान याद रखना है। अब यहाँ खान क्या हो जाएगा, जैसे खान अब्दुल गफार खान थे अपने NWFP में, जो प्रांत है अपना उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत अफगानिस्तान का, उन्होंने वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान, लाल कुर्ती आंदोलन ऐसे, ठीक है। तो खान ने आंदोलन चलाया, तो क्या यही बोलता है मूल कर्तव्य कि जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श थे, ठीक है ना, उनको अपन को जीवंत रखना है, तो कैसे खान है। फिर गैसे, गैसे जो क्लियो है ये गैसे गाय, ठीक है ना, तो गाय जैसे अपन देखते हैं पवित्र है, ठीक है, तो उस पवित्रता की प्रभुता और अखंडता को अपने को बनाए रखना, पवित्रता से बनेगा प्रभुता और प्रभुता अखंडता, प्रभुता और अखंडता मैंने आपको पहले वर्ड बताए रखे हैं प्रस्तावना में। फिर गय, गय अभी वो कह के गए याद रह जाएंगे, तो कैसे लेके तय तक अपने आप, जैसे आप गिनती तो डाल ही दोगे, कई बार क्या होता है कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत की प्रभुता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा की जाएगी, ये बताओ कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कह कह गए गए डाइयू या 1 2 3 4 5, जैसे शायद तीसरा ही पूछा गया था कि तीसरा मौलिक कर्तव्य है या भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, सीक्वेंस में बताओ 1 2 3, तो तीसरा ऐसे याद रखना अपन को, तो गए गाय प्रभुता अखंडता ऐसे, ठीक है ना, फ्लो में याद होने चाहिए ये इस क्रम से, ये तो प्री में क्वेश्चन है और क्या यू, ठीक है। और मेंस में ये खूब पूछा गया है, संविधान वर्णित मौलिक कर्तव्य यूपीएससी में तो खूब आ रहा है, इसमें आया आरएस मेंस के अंदर, और फिर निबंध लिखेंगे ना तो उसमें ये आता है, काम आता है मौलिक कर्तव्य बहुत ज्यादा, है कि नहीं ऐसे,
तो गह गाय प्रभुता अखंडता, फिर गह घड़ी, ठीक है, गह घड़ी, घड़ी जैसे क्या है, देश की याद दिलाता है कि देश की 24 घंटे अपन को रक्षा और सेवा करनी है, ठीक है ना, 24 घंटे, 24 घंटे 365 दिन देश की सेवा और रक्षा में अपन को खड़ा रहना है। डे से सड़क याद रखनी है, और सड़क पार करते समय जैसे मान लो दो व्यक्ति पार कर रहे हैं सड़क, तो वहां भ्रातृत्व दिखाना है, मतलब हाथ पकड़ के दोनों सड़क पार करेंगे, तो भ्रातृत्व हो जाता है, ब्रदरहुड। और इसी में आएगा स्त्री, तो स्त्री पे जैसे अपन जैसे देखते हैं कई व्यक्ति होते हैं रोड पे जो स्त्रियां चलती रहती हैं तो उनका सम्मान नहीं करते हैं, ईव टीचिंग में जाते हैं, उनका पीछा करते हैं, तो ऐसे अपन को रोड पे चलने वाली प्रत्येक स्त्री का अपन को सम्मान करना है, ऐसे से क्लू में याद रख सकते हैं। ये स्त्री सम्मान से रिलेटेड बात है, भ्रातृत्व स्त्री सम्मान, ठीक है ना। तो भ्रातृत्व रोड पर अपन को भ्रातृत्व भाईचारा दिखाना है, ये नहीं जबरदस्ती आप गाड़ी ओवरटेक करो एक दूसरे से, माइकल मत बनो, ठीक है ना। तो भ्रातृत्व और स्त्री सम्मान की बात सड़क पर है, सड़क मतलब बुढ़ा है। फिर जैसे चरखा, तो चरखा नो डाउट अपनी संस्कृति का प्रतीक है कि नहीं, चरखा मतलब संस्कृति और संस्कृति मतलब गांधी, ऐसे तो जैसे चरखा अपनी संस्कृति को अपन को बचा कर रखा। छह से छाछ मैंने आपको याद करवाया हमेशा, क्योंकि प्राकृतिक और पर्यावरण सुलभ ये पेय है, ठीक है ना, प्राकृतिक पेय है और पर्यावरण के अनुकूल है, नेचुरल फूड। तो ये 6 में, जैसे जहाज है, तो जहाज बनाने के लिए देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए कि नहीं चाहिए, उत्प्लावन बल ही आप ध्यान नहीं रखोगे तो जहाज बनाओगे और टाइटेनिक की तरफ डूब जाएगा, तो उत्प्लावन बल का ध्यान रखना कि कितना पानी जहाज हटाए कि जिससे जहाज तैर सके, तो जितना पानी वो हटाएगा, उस हटाए गए पानी का भार जो है जहाज के पानी से ज्यादा होगा, तभी वो जहाज तैर पाएगा, नहीं तो जहाज डूब जाएगा। इसीलिए अपन देखे लोहे से बना जहाज तैरता रहता है, जबकि एक सुई पानी के अंदर, लोहे की सुई पानी में डूब जाती है कि नहीं, क्योंकि उत्प्लावन बल का सिद्धांत सुई फॉलो नहीं करती, जहाज फॉलो करता है। तो देखो उत्प्लावन बल जो अपन ने बोला, बर्नोलिस का सिद्धांत, ऐसा आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज ठीक है, ग्रीक वैज्ञानिक जिसे हुआ है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, तो सारी वैज्ञानिक चीजें हैं कि नहीं, है कि ना वैज्ञानिक, तो जैसे जहाज और वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उत्प्लावन बल याद रख लो, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोन्सी, BUYONCY, बायोन्सी। पानी में जैसे अपन पानी में छलांग लगाते हैं तो अपने को कुछ हल्कापन लगता है, पत्थर में आप एक पानी में एक पत्थर को उठाओगे तो पत्थर हल्का लगता है, क्योंकि उसमें पानी अपने आप में एक बल लगा रहा है, उत्प्लावन बल। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो किसने दिया, जय जहाज ने दिया। तो जय जो मूल कर्तव्य है उसमें वर्णन किसका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, कि नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का श्रम करेगा, मतलब ये नहीं कि जैसे आप अंधविश्वास कर रहे हो, नमक मिर्ची, नींबू मिर्ची टांग रहे हो, उठ के अगरबत्ती कर रहे हो और फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या, माइक्रो बनाने, क्वेश्चन देखने, तब जाके प्रिय होगा, अगरबत्ती करने से प्रिय नहीं होगा, समझ गए। मैं नहीं कहता, मूल कर्तव्य कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मेरे पीछे पड़ जाओ। चलो आओ, फिर जय झंडा है, तो झंडा जो सार्वजनिक संपत्ति है, हर कोई लगा सकता है, मैं जेब पे लगा सकता हूँ, सीने पे लगा सकता हूँ, फहरा सकता हूँ, मेरे घर पे सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। फिर ये है, ये ठीक है, जैसे जय ये, तो यह को अपन अभी प्रोनाउंस करेंगे यूं यूं, तो यूं उत्कर्ष होएगा आपका, जैसे यूं आप मेरे कहने के अनुसार यूं माइक्रो बनाओगे, यूं समय पे सारे वीडियो देखोगे, यूं समय पे टेस्ट में आओगे, तो यूं आपका क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। तो ये मूल कर्तव्य ये कहता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप उत्कर्षता पाने की कोशिश करोगे, विल स्ट्राइव टू अचीव एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे समाज में कोई काम हो, कोई सांस्कृतिक काम हो, कुछ भी हो, सब में आप क्या करोगे, एक्सीलेंस लाने की कोशिश करो। ये 10वां था यूं। फिर 9वां जैसे अपन देखते हैं, सॉरी 9वां तो संपत्ति हो गया, फिर अपन 11वां देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो है वो है शिक्षा का, कि प्रत्येक विभाग अपने 6 से 14 बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये 86 संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 86 संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो शिक्षा है ना, तो ये हिंदी में तो टै बोलेंगे, टै से टमाटर याद रखना, तो टै से टमाटर शिक्षा देते हैं ना अपन, टै से टमाटर तो शिक्षा ही दे रहे हैं, बारखड़ी जब सिखाते हैं या जब अपन व्यंजन सिखा रहे होते हैं कगड़े, तो टै टमाटर से मतलब टमाटर से शिक्षा बोलना टै टमाटर। और इंग्लिश में जैसे अपन याद रखते हैं इसको के, तो ये ABCD का 11वां अक्षर के है। तो जैसे अपन मारवाड़ी में, जैसे राजस्थान में अपन का एक पहली पूछते ही है कि रे छोरा बता, ABCD को 11वां अक्षर के है, के पूछा, तो वो क्वेश्चन में अपने आप आंसर हुआ है कि 11वां अक्षर के है, समझ गए, ऐसे समझ गए। तो ये यूं है, तो ऐसे करके ये 11 टोटल अपने मूल कर्तव्य हैं, जो कैसे टै तक या इंग्लिश में ए से के तक जाते हैं,
इनका अपन को सीक्वेंस याद रखना। हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया, कह कबूतर, कह खान, गए गाय, गए घड़ी, रह सड़क, भ्रातृत्व, चय चरखा संस्कृति, चय छाछ प्राकृतिक व पर्यावरण, जय जहाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जय झंडा सार्वजनिक संपत्ति, और यूं उत्कर्ष होएगा टय टमाटर। तो ऐसे इनको याद रख लो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक गिनती लिख लो साइड के अंदर, और फट वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। होता है ये प्री के अंदर अच्छे अच्छे गच्चा खाते हैं इसमें, क्योंकि ये कौन सी बात है, ये थोड़ी सी रटने वाली बात है। तो आजकल थोड़े होनहार स्टूडेंट ज्यादा हैं, सर मैं रटता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। प्यारे, समझ का अपना गेम है, रटने का अपना गेम है, दोनों जब मिलेंगे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये रटना और समझना। एक को भी छोड़ोगे तो क्या हो जाओगे, धराशायी तारे जमीन पर। तो याद कर लो ऐसे इनको, है ना, यू याद करो। फिर इनके जो मौलिक कर्तव्यों की जो सार्थक फैक्ट्स के में ही देख लो, और अपने उसके लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये इसके अंदर सब ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है इसके अंदर, हालांकि एक थ्योरी फाइल अपन डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनको याद करना ऐसे क्रम में, जैसे अपन नितिन रिश्ता याद किए ना, ऐसे इनको फ्लो में याद करना है, तभी आएगा मजा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब देख लो, आप में से कईयों को, मतलब 99% स्टूडेंट्स को नीति निर्देश तत्व में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कि सर मजा आ गया वाकई। अरे प्यारे, मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं देखे आपने याद किया उसको, 36 से 51 तक चबा चबा के याद हो गए। ऐसे इनको याद कर लो कैसे टह तक, फिर देखना मूल करते हुए मैं क्या मजा फट फट उड़ाओगे, यूं माइकल बन जाओगे, है कि नहीं। ऐसे तो याद करो, मजा आएगा। ओके।